बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, लाहौर होटल के ताजिर सड़कों पर आ गए, टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। दुकानदार ने कहा कि एक यूनिट का बिल 7,000 रुपए हो गया है। ताजिरों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। जायदाद के तनाजी और गैरत के नाम पर बीवियों को कत्ल करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बादामी बाग में जायदाद के तनाजे पर बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम खालिद अनवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की फायरिंग से 5 साल राहगीर बच्चा भी शदीद जख्मी हुआ था। शाहदरा पुलिस ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ लिया। रजा तनवीर ने कहा कि सेक्रेटरी बार काउंसिल अशरफ राही के कातिलों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। स्पीकर का इंतखाब खुफिया वोटिंग से होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी वोटिंग होगी। तहरीक इंसाफ के सप्तैन खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग के सैफुल मलूक खोकर ने भी स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने असेंबली इजलास में शिरकत के लिए तमाम अराकीन को आज रात लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली।